जापान के टोक्यो शहर से उड़ान के महज 15 मिनट बाद 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे जापान एयरलाइन बोइंग 747 प्लेन में हुआ जोरदार धमाका। धमाके से उड़ गया प्लेन का पिछला हिस्सा। एक बेजान पत्थर की तरह आसमान से गिरते हुए प्लेन में सवार 524 लोगों की जिंदगी लगी दांव पर। मौत को साक्षात अपने सामने देखकर भी पायलट कैसे बहादुरी से इस बेकाबू हुए प्लेन को काबू करने की हर संभव कोशिश करते रहे। जापान एयर फ्लाइट 123 के साथ हुए इस हादसे से जुड़ी सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। JA8-119 नाम से रजिस्टर्ड बोइंग 747 सीरीज का ये प्लेन 1974 में जापान एयरलाइन को डिलीवर किया था। एक्सीडेंट से पहले इस प्लेन ने लगभग 18,000 बार उड़ान भरकर 25,000 घंटों का हवाई सफर पूरा किया था। इसी तरह अपनी एक रेगुलर उड़ान के दौरान 2 जून 1978 को जापान के ही एक इतामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकराकर बुरी तरह डैमेज हो गया था। इस एक्सीडेंट के कारण प्लेन के पिछले हिस्से में बने EFT प्रेशर बल्कहेड को काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि रिपेयर करने के बाद ये प्लेन फिर से अपनी रेगुलर उड़ान भरने लगा था, लेकिन सही तरीके से रिपेयर ना होने के कारण प्लेन के प्रेशर बल्कहेड में आए दरार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। किसी को भी शायद इसका अंदाजा तक नहीं था कि ये छोटी सी लापरवाही एक दिन टाइम बम की तरह फटकर सैकड़ों लोगों की जान ले लेगी। इस एक्सीडेंट के लगभग 7 साल बाद 12 अगस्त 1985 जापान के टोक्यो शहर का हैनिडा एयरपोर्ट। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका जाने की तैयारी कर रही थी। एक एक कर 509 पैसेंजर के साथ 15 क्रू मेंबर फ्लाइट में सवार होते हैं। अपने पूर्वजों की याद में मनाए जाने वाले ओबान फेस्टिवल के कारण ये जापान में छुट्टियों का वक्त था और प्लेन पूरी तरह से भरा हुआ था। प्लेन में सफर करने वाले ज्यादातर लोग छुट्टियों में अपने होम टाउन जा रहे थे। कॉकपिट में 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर युताका सासियाज कप्तान के तौर पर प्लेन उड़ाने वाले थे। पिछले 6 सालों से बोइंग 747 की 4,000 घंटों से ज्यादा के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बाद आज फर्स्ट ऑफिसर युताका सासी के लिए ये एक तरह का एग्जाम था, जिसके बाद उन्हें ऑफिशियल तौर पर बोइंग 747 का कप्तान बनाया जाना था। 49 वर्षीय कप्तान मासामी ताकाहामा आज फर्स्ट अफसर पर नजर रखने के लिए दूसरे पायलट के तौर पर प्लेन में सवार थे। 1966 से पायलट रहते हुए कप्तान मासामी ताकाहामा ने लगभग 12,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हासिल किया था। दोनों पायलट के ठीक पिछली तरफ 46 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकाडा बैठे हुए थे। 10,000 घंटों से भी ज्यादा के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी की इस प्लेन में आज की ये तीसरी उड़ान थी। सुबह से इस प्लेन की पिछली दो उड़ानों में भी फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी ही काम कर रहे थे और शाम के लगभग 6:05 पर फ्लाइट 123 डिपार्चर गेट से रोल ऑफ शुरू करती है। टैक्सी वे से होते हुए प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ता है। शाम के लगभग 6:12 पर फर्स्ट ऑफिसर युताका सासी रनवे से प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। टोक्यो से ओसाका की फ्लाइट महज 1 घंटे की थी। अपनी इस छोटी सी फ्लाइट के लिए जैसे ही ये प्लेन 24,000 के क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो तुरंत ही वो लैंडिंग के लिए डिसेंट शुरू कर देता है। उस दिन जापान के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा और बारिश के साथ साथ हल्के फुल्के तूफान की भी आशंका थी, जिसको ध्यान में रखते हुए पायलट रास्ते में आने वाले तूफान से बचने के लिए फ्लाइट 123 के रूट को थोड़ा सा बदलकर साउथ में समंदर के ऊपर से ले जाने का प्लान करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार जब भी कोई प्लेन अपनी ऊंचाई बढ़ाता है तो ऊंचाई पर हवा पतली होने के कारण प्लेन के बाहर हवा का दबाव कम होने लगता है। अब ताकि प्लेन के अंदर बैठे हुए यात्री आराम से सांस ले सकें, इसलिए प्लेन के अंदर हवा के दबाव को बढ़ाने के लिए इंजन से प्लेन के अंदर हवा भरी जाती है। कॉकपिट में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट पैनल पर नजर रखते हुए फ्लाइट इंजीनियर कैबिन के अंदर हवा के दबाव को प्रोसेस के अनुसार बढ़ाते जा रहे थे। जब हवा का दबाव बढ़ाया जाता है तो हवा प्लेन के ढांचे पर अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डालती है,
और प्लेन का मजबूत ढांचा इसे आसानी से सहन करता है। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि 7 साल पहले हुई उस एक्सीडेंट के कारण प्लेन के पिछले हिस्से में बना प्रेशर बल्क हेड काफी कमजोर हो चुका था और उसमें आई दरार वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। शाम के 6:24, टेक ऑफ के महज 12 मिनट बाद प्लेन जब 24,000 की ऊंचाई पर पहुंचा तो एक तेज धमाके से प्रेशर बल्क हेड के साथ टेल का काफी बड़ा पिछला हिस्सा टूटकर प्लेन से अलग हो गया। हवा के दबाव के कारण यह धमाका इतना बड़ा था कि टेल और बल्क हेड कंपार्टमेंट के अलावा रडर, ऑक्सिलरी पावर यूनिट और प्लेन के कई महत्वपूर्ण पार्ट प्लेन से टूटकर अलग हो गए। इतनी तेज स्पीड से हवा का दबाव कम होते ही पैसेंजर कैबिन में रखा हुआ सामान और प्लेन में कई छोटे हिस्से टूटकर तेजी से कैबिन के बाहर खींचे चले गए। एयर प्रेशर के कम होते ही कैबिन में ऑक्सीजन मास्क लटकने लगे। फ्लाइट क्रू ने तुरंत ही सभी पैसेंजर को ऑक्सीजन मास्क और सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा। ये सब देखते ही कप्तान ने तुरंत ट्रांसपॉन्डर पर 7,700 का स्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, जिसका काम ATC टावर और आसपास उड़ रहे सभी प्लेन को यह बताना होता है कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कप्तान ने तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर को प्लेन वापस मोड़कर टोक्यो जाने के लिए कहा। वापस जाने के लिए जैसे ही फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन को राइट साइड में मोड़ा तो प्लेन काबू से बाहर होकर तेजी से एक तरफ झुकने लगा। फर्स्ट ऑफिसर अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को सीधा नहीं कर पा रहे थे। लग रहा था जैसे प्लेन के सभी सिस्टम फेल हो गए हैं। तभी फ्लाइट इंजीनियर की नजर अपने सामने बने हुए कंट्रोल पैनल पर जाती है। एक एक कर सभी हाइड्रोलिक प्रेशर मीटर 0 रीडिंग दिखाने लगते हैं। फ्लाइट इंजीनियर के साथ साथ पायलट भी समझ जाते हैं कि प्लेन के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। किसी भी प्लेन में हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल हो जाने का मतलब है मौत, यानी अब प्लेन को किसी भी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किसी भी प्लेन के टेल पार्ट में लगा हुआ रडर ही प्लेन की डायरेक्शन या हाइट को कंट्रोल करता है। रूडर की मदद के बिना प्लेन की डायरेक्शन चेंज करना या उसकी हाइट को कम ज्यादा करना नामुमकिन होता है। एक पर कटे हुए पक्षी की तरह असंतुलित होकर प्लेन तेजी से दाएं बाएं झुकने लगा। एविएशन की जुबान में प्लेन के इस तरह के हिलने को डच रोल कहा जाता है। अपनी पूरी जान लगाकर दोनों पायलट प्लेन को सीधा करने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन यहां सिर्फ प्लेन को सीधा करना ही मुसीबत नहीं थी। हाइड्रोलिक प्रेशर फेल होने के कारण प्लेन का एलिवेटर भी फेल हो चुका था, जिसके कारण प्लेन कभी तेजी से हजारों फीट नीचे गिर रहा था और कभी अचानक ऊपर उठ रहा था। पैसेंजर कैबिन में सभी को साक्षात मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी और कई पैसेंजर ने अपने चाहने वालों के लिए आखिरी खत लिखने शुरू भी कर दिए थे। इतनी खौफनाक हालत में भी कैबिन क्रू बड़ी ही हिम्मत के साथ पैसेंजर की सीट बेल्ट बांधने और ऑक्सीजन मास्क लगाने में मदद कर रहे थे। मौत को साक्षात सामने देखकर भी अपने फर्ज को निभाने वाले उन जाबाज क्रू मेंबर्स को हम अपने चैनल और व्यूअर्स के माध्यम से शत शत नमन करते हैं। वहीं कॉकपिट में बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए पायलट और फ्लाइट इंजीनियर अभी भी किसी तरह प्लेन को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। दिमाग में तेजी से ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण पायलट और फ्लाइट इंजीनियर हाइपोक्सिया का शिकार होते जा रहे थे। हाइपोक्सिया के कारण हमारे दिमाग में सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है और इंसान धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगता है। हालांकि प्लेन रडर के टूट जाने के कारण प्लेन की हाइट को कम या ज्यादा करना मुश्किल था, लेकिन प्लेन के इंजन पावर थ्रस्ट को कम ज्यादा करते हुए पायलट अब किसी तरह प्लेन को तेजी से ऊपर या नीचे ले जाने से रोक रहे थे। जब भी प्लेन तेजी से नीचे जाने लगता वो इंजन थ्रस्ट को बढ़ा देते, वहीं प्लेन की तेजी से ऊपर जाते वक्त वो इंजन थ्रस्ट को कम कर देते। ATC लगातार पायलट को कॉल करके प्लेन में आई इमरजेंसियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी हालत में पायलट्स का पूरा ध्यान और कोशिश किसी तरह प्लेन को सही सलामत उड़ाए रखने की थी। इसलिए कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को ATC की कॉल को नजरअंदाज करके सिर्फ प्लेन को काबू करने के लिए कहा। वहीं फ्लाइट इंजीनियर कैबिन क्रू को इंटरकॉम पर कॉल करके प्लेन में हुए उस धमाके के बारे में जानने की कोशिश करता है। कैबिन क्रू जब फ्लाइट इंजीनियर को बताती है कि प्लेन का काफी बड़ा पिछला हिस्सा टूट गया है और सभी पैसेंजर सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के सहारे ही सांस ले रहे हैं,
तो फ्लाइट इंजीनियर तुरंत ही कप्तान को प्लेन नीचे ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि कम ऊंचाई पर जाने के बाद सभी पैसेंजर बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले सकें। लेकिन बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए प्लेन को किसी भी तरह कंट्रोल करने की कोशिश में दोनों पायलट हाइपोक्सिया के कारण फ्लाइट इंजीनियर की बात भी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। पायलट्स बस किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करके जल्द से जल्द लैंड करवाना चाहते थे। पायलट की ऐसी हालत देखकर फ्लाइट इंजीनियर कप्तान को जोर से हिलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ लाता है और दोबारा से उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्लेन किसी तरह नीचे लाने के लिए कहता है। फ्लाइट इंजीनियर की बात सुनकर अब दोनों पायलट अपना ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, जिसके बाद उनके सोचने और समझने की हालत में थोड़ा सुधार होता है। बदहवासी की हालत से थोड़ा बाहर निकलते हुए दोनों पायलट ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन को किसी भी तरह 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाना पड़ेगा, ताकि प्लेन में सवार सभी लोग बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले सकें। किसी भी प्लेन में इमरजेंसी के लिए एक सीमित ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो लगभग 10-15 मिनट तक ही काम करती है। इसलिए अब धीरे धीरे पैसेंजर कैबिन में लगे हुए मास्क में भी ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जा रही थी, जिसके कारण पैसेंजर की हालत भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन अब पायलट के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो बिना टेल रडर कंट्रोल के प्लेन को कैसे नीचे लाए। अगर वो इंजन थ्रस्ट को बंद करके प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो इसमें यह रिस्क बहुत ज्यादा था कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में जाकर क्रैश हो सकता था। तभी फ्लाइट इंजीनियर ये सलाह देता है कि हमें प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन कर देने चाहिए, जिसके ड्रैग फोर्स से प्लेन धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। लेकिन सभी हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाने के कारण प्लेन के लैंडिंग गियर को नॉर्मल तरीके से डाउन करना इम्पॉसिबल था। इसलिए कप्तान इमरजेंसी लैंडिंग गियर नॉब का इस्तेमाल करके प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन कर देते हैं। आमतौर पर किसी प्लेन में अगर लैंडिंग गियर काम नहीं करते तो इमरजेंसी लैंडिंग गियर नॉब की मदद से लैंडिंग गियर अपनी ग्रेविटी वेट के कारण नीचे आकर लॉक हो जाते हैं। लैंडिंग गियर डाउन होने से प्लेन कुछ नीचे आ जाता है, लेकिन लैंडिंग गियर की ड्रैग फोर्स के कारण अब प्लेन के रोलिंग मोशन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अब कप्तान एटीसी टावर से बात करके उन्हें कहता है कि वो प्लेन को टोक्यो एयरपोर्ट वापस ला रहे हैं। एटीसी टावर भी कप्तान की आवाज में परेशानी और घबराहट को देखकर ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि प्लेन पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इंजन थ्रस्ट को कंट्रोल करते हुए पायलट प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाने जा रहे थे। टोक्यो शहर के बाहरी ग्रामीण इलाके में लोगों ने जब एक बेकाबू प्लेन को हवा में लहराते हुए देखा तो कुछ लोगों ने उस प्लेन की फोटो भी खींची। हालांकि अंधेरा होने के कारण फोटो धुंधली थी, लेकिन तब भी साफ साफ देखा जा सकता था कि प्लेन का रडर और टेल का काफी बड़ा हिस्सा गायब था। प्लेन जैसे जैसे नीचे आ रहा था तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ साथ पैसेंजर और पायलट की हालत में भी सुधार हो रहा था। एक्सीडेंट के दौरान अब पहली बार पायलट अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, पायलट्स को सामने माउंट टाकामगहरा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देने लगी। बिना रडर के प्लेन की डायरेक्शन को बदलना इम्पॉसिबल था, इसलिए कप्तान तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर को इंजन थ्रस्ट बढ़ाकर प्लेन को ऊपर उड़ाने के लिए कहता है, और जिसके बाद तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर इंजन थ्रस्ट को मैक्सिमम पावर पर कर देता है। अपनी पूरी इंजन पावर के साथ प्लेन नाक के बल ऊपर उठने लगता है। प्लेन इतनी ज्यादा स्पीड से ऊपर उठता है कि उसका क्लाइंब एंगल 40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी स्टीप एंगल से क्लाइंब करने के कारण प्लेन स्टॉल सिचुएशन में जाने लगता है। प्लेन की कंट्रोल स्टिक तेजी से वाइब्रेट होने के साथ साथ कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग अलार्म बजने लगता है। दोनों पायलट्स को पता था कि उन्हें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो उनके साथ साथ प्लेन में सवार सभी 524 लोग कभी भी मौत के मुंह में जा सकते हैं। तभी फर्स्ट ऑफिसर कप्तान से कहता है कि उन्हें फ्लैप्स को लो कर देना चाहिए, ताकि उनकी ड्रैग फोर्स से प्लेन को लेवल किया जा सके। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने के कारण कप्तान इमरजेंसी एपीयू पावर यूनिट की मदद से फ्लैप्स को इलेक्ट्रिक तरीके से नीचे करने लगते हैं, और जिसके बाद प्लेन धीरे धीरे सीधा होने लगता है। हवा में ब्लास्ट होने के बाद यह पहली बार था कि प्लेन सीधा उड़ रहा था। पैसेंजर के साथ साथ पायलट्स को भी थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई दी कि शायद अब वो प्लेन को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो फ्लैप्स प्लेन को सीधा उड़ा रहे थे जल्दी ही वो उनके लिए मुसीबत का कारण बन गए।
एक जगह रुकने की बजाय फ्लैप्स एक्सटेंड होते जा रहे थे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड का फ्लैप राइट साइड के फ्लैप से ज्यादा बड़ा होता चला गया। राइट साइड के फ्लैप से ज्यादा बड़ा होने के कारण अब लेफ्ट साइड का फ्लैप ज्यादा लिफ्ट जनरेट करने लगा। उसके कारण प्लेन तेजी से राइट साइड में झुकने लगा। प्लेन को काबू करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही थ्रस्ट लेवल को बढ़ाते हैं, लेकिन किसी कारण से वो लेफ्ट थ्रस्ट लेवल को ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण प्लेन अब पूरी तरह राइट साइड में झुककर नीचे टकामगेरा की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरफ गिरने लगता है। पहाड़ियों के ऊपर इतनी कम ऊंचाई से प्लेन को काबू करना अब पायलट के हाथ से निकल चुका था। प्लेन का राइट विंग पहाड़ी से टकराता है और एक झटके से राइट विंग और सामने लगा इंजन टूटकर अलग हो जाता है। सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से प्लेन सामने बनी दूसरी पहाड़ी से जा टकराता है। आग और धुएं का एक तेज गुब्बारा सब कुछ खत्म कर देता है। एटीसी टावर में बैठे हुए लोग अपनी मजबूरी की हालत में सिर्फ प्लेन को रेडार स्क्रीन से गायब होते हुए देख सकते थे। एटीसी टावर बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसके एक मिनट बाद उस इलाके के पास उड़ रहा एक जापानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट एटीसी को कॉल करके उन्हें टकामगेरा की पहाड़ियों से उठते आग और धुएं के बारे में बताता है, जिसके बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि फ्लाइट 123 क्रैश हो चुकी है। हादसा इतना भयानक था कि जापान सरकार को किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। खराब मौसम और अंधेरा होने के कारण शायद जापान अथॉरिटीज को भी ये लगा कि ऐसी हालत में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को भेजना उनकी जान को भी दांव पर लगाने जैसा होगा। इसलिए इस हादसे के लगभग 12 घंटे बाद अगली सुबह ही उन्होंने अपने बचाव दल को दुर्घटना स्थल पर भेजा। उन्हें वहां किसी के भी जिंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब बचाव दल वहां पहुंचा तो प्लेन में सवार 524 लोगों में से 4 लोग अभी भी जिंदा थे। चारों घायल लोगों को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अगर रेस्क्यू टीम को एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही क्रैश साइट पर भेज दिया गया होता तो शायद बहुत सारे दूसरे घायल पैसेंजर को भी बचाया जा सकता था। मानव इतिहास में किसी प्लेन एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों का यह सबसे बड़ा हादसा था। हादसे के तुरंत बाद बोइंग ने अपने प्लेन के डिजाइन में मेजर चेंजेस किए ताकि केबिन प्रेशर बढ़ने के कारण प्लेन की टेल इस तरह से ना टूटे। जापान एयरलाइन ने भी अपने मेंटेनेंस प्रोसेस में बड़े बदलाव करते हुए सभी प्लेन्स की सही मरम्मत के लिए सख्त नियम बनाए। इन सभी बड़े बदलावों के कारण दुनिया भर की हवाई यात्रा और सुरक्षित हो गई। लेकिन बदकिस्मती से जापान फ्लाइट 123 में सवार 520 लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मुसीबत के समय में भी बहादुरी से अपने फर्ज को निभाने वाले पायलट्स और कैबिन क्रू को हम नमन करते हैं और आप सबसे भी गुजारिश करते हैं कि अपने कमेंट्स के जरिए इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।